सूबे में पुलिस की हनक खत्म होते जा रही है और आए दिन पुलिस टीम पर हमला हो रहा है। ताजा मामला देवरिया जनपद का है, जहां होली के दिन पुलिस टीम पर हमला हुआ और पुलिस टीम को वहां से भागना पड़ा, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सतर कोतवाली क्षेत्र का रघुआपुर गांव, जहां होली के दिन एक व्यक्ति अवैध रूप से पेट्रोल बेच रहा था। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली और इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिए, तो गांव वाले भड़क गए और पुलिस टीम पर पथराव करने लगे, जिसमें उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और वहां स्थिति बिगड़ता देख पुलिस टीम को भागना पड़ा। पुलिस टीम पर हमले का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इसके बाद मौके पर कई थाने की फोर्स पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस बाबत पर अपर पुलिस अधीक्षक शिष्य पाल का कहना है कि यह मामला होली के दिन की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई पेट्रोल अनाधिकृत रूप से बेच रहा है और जिस पर पुलिस वहां गई, जिसमें पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इस बात को लेकर कोतवाली देवरिया में अभियोग पंजीकृत की गई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और वीडियो के आधार पर अभी और कार्रवाई की जाएगी। लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त। सर, रघुआपुर में घटना हुई थी, पुलिस टीम के साथ मारपीट, क्या कार्रवाई की गई? ये तो होली वाले दिन की बात है, होली में रंग चल रहा था। ये 21 तारीख को करीब 10:15 बजे के आसपास सूचना मिली कि कुछ वो पेट्रोल कोई अनाधिकृत रूप से बेच रहा है। उसी पर पुलिस वहाँ गई, किसी का टेलीफोन आया, पुलिस वहाँ गई तो उसी में पुलिस और पब्लिक के लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। इसी बात को लेकर फिर थाना कोतवाली में उस पर अभियोग पंजीकृत हुआ और उसमें कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है और जो भी उसमें अभी अज्ञात लोग हैं जिन्होंने ये सब किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई। वीडियो जो फिल्म है या जो वीडियोग्राफी वहाँ से मिली है, वहाँ से उसे पहचान करा करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।